बंधु भगिनी, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटक इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुड़ की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटक का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहरों भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी रहे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सुडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सुडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सुडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई, ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है।